अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिदवा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और आज हमारा दिन है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो टू ऑल द लवली वुमेन आउट देयर अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव। अच्छा जी, आज क्या बनेगा? आज दो मीठे हैं, हम मौका मड केक बनाएंगे रैमेकिन्स में, जो ओवन में बनेगा, और हम पहले चूल्हे पे बनाएंगे मलिदा पारसी स्टाइल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे नट्स और काफ़ी नकद माल जाता है, तो आप देखिएगा जो जो भी आपको डालना है, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। अब मैं आपको इस तरह बताना ये चाह रही हूँ कि पहले तो आपको इसका एक डो बनाना है, उस डो के छोटे छोटे पेड़े बना के आपको उसको फ्राई करना है घी में, फ्राई करके निकाल के ठंडा करके आपको इसको क्रश करना है, या आप मोटर पेस्टल यूज़ कर लें, हावल धमाल दस्ता जो होता है वो, या फिर आप फूड प्रोसेसर यूज़ कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, या आप हाथ से तोड़ दीजिए, लेकिन ज़रा थोड़ा फाइनली क्रश्ड हो, फिर उसको दोबारा हम दूसरी चीज़ें डाल के पकाएंगे। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं बना के लाती, और वो रोटियाँ जो होती हैं उनको मुठिया कहते हैं, ठीक है, वो मुठिया बना के लाती, आप लोगों को समझ में नहीं आता। दो कप आटा है, ठीक है, इसमें हम आधा कप घी डालेंगे, और इसमें हम चार चमचे भर के सूजी डालेंगे, दो चमचे भर के हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, एक चुटकी भर नमक जाएगा, क्वार्टर कप मिल्क है, और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा तो पानी के साथ आप उसको गूंद के रखिएगा। फिर हमने इसमें दूसरे अज्जा जो डालने हैं, उसमें इलायची पाउडर है, पिसे बादाम, पिस्ते हैं, ठीक है, सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो भी सीड्स बीज आपको डालने हो वो है, गम है, गूंद, ये गूंद है, क्रश करके इस्तेमाल करिएगा। पहले हम इसको फ्राई करेंगे। गुड़ है काफ़ी सारा, और काजू बादाम पिस्ते जो भी आपको ऊपर से डालने हैं, वो जो ऊपर से डलते हैं वो फ्राई किए हुए हैं, यहाँ मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा खोपरा भी डलता है। सो है काफ़ी मज़ेदार सा, काफ़ी सारा माल इसमें हमने डाला हुआ है, और सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ उससे पहले, यहाँ कराची में तो मुझे लग रहा है समर आ गई है, स्प्रिंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, विंटर के बाद डायरेक्ट हम समर पे आ गए, इतनी गर्मी है यहाँ, लेकिन कुछ और शहरों में तो ऑब्वियसली इट्स स्टिल नाइस एंड कूल। ओके जी, क्या आपको मालूम था कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो औरतों को फ़ोन का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझते हैं, और बेसिक आई थिंक यू इट्स अ बेसिक नेसेसिटी एक मोबाइल फ़ोन, और ऐसे भी लोग हैं जो, आपको पता है पाकिस्तान में 50% ख्वातीन के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, और 19% के पास मोबाइल इंटरनेट से भी वो महरूम हैं। और ऐसी सोच को काउंटर करने के लिए जैज़ ने आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है जैज़ चूजेस टू चैलेंज कैंपेन। इसके बारे में मैं आपको ड्यूरिंग माय शो बताऊंगी, लेकिन हमें काम पहले शुरू कर देना है, सो हम झटपट इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ मेरे पास जो आटा है, लेट मी ब्रिंग अ बिगर बोल ताकि मैं आराम से इसको मिक्स कर सकूँ, हर चीज़ डालें हम। आटा 2 कप, ठीक है, फिर आप उसमें सूजी डालेंगे 4 चम्मच, ठीक है, फिर आप इसमें मिल्क पाउडर 2 चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा चुटकी भर, अब आप इसमें दूध डालेंगे 1/2 कप जितना, और इसको आप मिक्स करेंगे। आटा है, दूध है, सूजी है, और नमक है, और मिल्क पाउडर है, अब थोड़ा सा इसमें घी जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे 1-2 इंच के बॉल्स बनाने आपने हैं, जैसे रोटी को कैसे गूंथते हैं हाथ से, ऐसे कर दीजिएगा, और आप इसको फ्राई कर दीजिएगा घी में। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे दूध, थोड़ा डालें, और थोड़ा सा पानी लें, और एक डो बना के रख दें। पानी हमेशा अलग इस तरह लिया करें, वरना सारा कुछ चला जाएगा एकदम से जग से, तो फिर मसला होगा। हाथ से गूंद लें, फूड प्रोसेसर में गूंद लें, जो भी आपको करना है, इसको हमें फ्राई करना है, ठीक है। कुछ लोग नट्स के बगैर का अच्छा लगता है उनको, तो ये कुछ भी नहीं डालिएगा, फिर पिसे हुए डाल दीजिएगा, बिकॉज इट हैज़ टू हैव दैट, वरना साबुत नहीं मतलब देखना है अंदर। तो ठीक है, आटा है, सूजी है, मिल्क पाउडर है, नमक है, पानी है, दूध है, और मुझे इसमें घी डालना है। पहले पानी, दूध और घी बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा, वरना ये फॉर्म नहीं होगा।
ठीक है, एक डो आपने बनाना है। फिर हम एक पैन में घी गरम करेंगे, घी जब पिघल जाएगा तो इसके हम छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर देंगे। फिर उन बॉल्स को आपने ठंडा करना है, निकाल के रखना है एक तरफ, और ठंडा हो जाए फिर आप उसको कूट लीजिए, तोड़ दीजिए, फूड प्रोसेसर में डालिए, बिकॉज फिर वो फाइन पाउडर होना चाहिए उसका। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ठीक है, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। यू कैन सी के फॉर्म हो रहा है। फिर आप उसको हाथ से भी गूंथ सकते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। अब टाइम टू पुट इन योर हैंड्स एंड गूंदोफाई दिस। गूंदोफाई, इज देयर अ वर्ड? यस, गूंथते हैं इसको। ठीक है, से क्वार्टर टू हाफ कप टोटल आपने पानी डालना है, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत पतले पतले हो जाएगा डो, तो आप इसको फिर कैसे बॉल्स के शक्ल में वो करेंगे ना फॉर्म। ठीक है, चलो नाउ वील मूव ऑल दिस। और हम घी को किसी पैन में डाल के ना इसमें करें। So, हम घी में फ्राई करने के लिए यहाँ मैं घी डाल दूँ, तब तक इसको पिघलाते हैं और हाथों से इसके बॉल्स बनाते हैं। अगर आपने ब्रेक लेनी हो तो आप ले लीजिएगा, बिकॉज मैं अभी इसको गूंथ के सिर्फ छोटे छोटे बॉल्स बना के रखूंगी। ठीक है कि नहीं, ये देखें इस तरह के। ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक टाइनी बॉल्स। ठीक है जी, ये सारे ऐसे बॉल्स बना के रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह छोटी छोटी रोटी बना लीजिए हाथ से, ऐसे ही करके इसको हम फ्राई कर देंगे। बॉल्स बनाइए, ऐसे छोटी रोटी बनाइए हाथ से, कोई वो बेलना वेलना नहीं है, और फ्राई करके रख दीजिए। निकालिए, ठंडा करिए, फिर ये सारी चीज़ों में पकाना है हमने। ओके, सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। सो ऐसे करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो आपको जैज़ के बारे में भी बताऊंगी। एंड अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल द लवली वुमेन आउट देयर फ्रॉम अस एट मसाला टीवी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मुठिया जो होता है वो ऐसे करके दबा के बनाते हैं, इसलिए ये इस तरह के इंप्रेशंस आपको हाथ के लगेंगे। घी में आपने इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन एंड क्रिस्पी नहीं हो जाए, ठीक है, और इसको फिर ठंडा करके फिर हमें पीसना है। सो फॉर दैट रीजन आई एम टेकिंग दिस आउट इन अ छन्नी, और ये इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिएगा, हाथ से इस तरह दबा दीजिएगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू फ्राई देम। ये वैसे भी हमने कोई खास शेप तो नहीं देना है, इसलिए कि हमें इसको क्रश कर देना है। आंच थोड़ी सी मैं कम रख रही हूं, वरना अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से, आज जो जैज ने एक कैंपेन निकाली है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है जैज चूजेस टू चैलेंज। इसमें यह है कि वो जैज इस खवातीन के आलमी दिन में जैज सब खवातीन के लिए कुछ खास करना चाहता है, ठीक है, और अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता है। तो जैज दे रहा है खवातीन को फ्री सिम्स, और इसके अलावा आप किसी भी जैज बिजनेस सेंटर से सिर्फ 1000 के डिस्काउंटेड प्राइस में अपना खुद का डिजिट 4G स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। तो हैप्पी वुमेंस डे फ्रॉम जैज टू एवरीवन। अच्छा, इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको क्या करना है, फिर आपने इसको पीसना है। इसके कोई भी शेप हो, बस थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा के फ्लैट कर दीजिएगा और घी में इसको तलना शुरू कर दीजिएगा। लाइट एंड गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाए, फिर ठंडा करके इसमें डालेंगे, पीसेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक और मैं सोच रही हूँ कि वो ले लूँ, क्या कहते हैं, डिश पैन,
उसमें मैं गोंद को फ्राई करना शुरू करूं, बिकॉज फिर टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा काम है। थोड़ा सा घी लेंगे, दिस इज मेड इन घी या मक्खन बट नॉट इन ऑयल, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। पहले तो आपको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हाँ जी, आपको सेम टू यू और आपकी सारी टीम को भी। थैंक यू। हाँ जी, और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मैंने आपसे पूछना था, आज का सवाल कोई है? आज का कोई सवाल नहीं है, कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, आप सुनाइए हमें कुछ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको भी वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वैसे तो विमेंस डे होना नहीं चाहिए, 365 दिन हमारे ही हैं, ऐसे ही बोलें दिल में, बट ऑफिशियली इट्स सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो चलें हम भी मना लेते हैं। टर्न करते रहिएगा घी में, कहीं ये जल ना जाए। ये है गूंद, एडिबल गम, ठीक है। इसको क्रश करके इस्तेमाल करिएगा। घी जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा डालिएगा, देखिएगा अभी गर्म नहीं हुआ, ये पफ अप होगा, थोड़ा सा फूलेगा। फिर इसमें हम उसी पैन में हम फिर दूसरी भी सारी चीज़ें डाल के उसको हम, अच्छा दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो आप गूंद को इसमें डालिए, मुठिया जो बना रहे हैं ना उसी में डालिए, या आप उसको अलग से फ्राई करें। अब देखें ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हुआ ना पफ अप, पूरा डालिए इसको आप फ्राई करिए। दो तरीक़ों से कर सकते हैं, आई हैव टू कुक दीज, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया और इसमें मैंने गूंद नहीं डाला। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं गूंद को अलग से फ्राई करना चाहती हूँ, फिर उसमें हम वैसे भी हमने पीसना है सब कुछ, सो पिस जाएगा, ठीक है। ये नहीं हुआ, इसको टर्न करके रखते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं, इस तरह इसको ब्रेकअप करते हैं। इफ़ यू नीड यू कैन ऐड मोर घी टू दिस, बिकॉज ये घी पूरा पी चुका है। आँच कम रखिएगा, जितना ज़्यादा आप घी इस्तेमाल करेंगे फिर आप सारा घी छानिएगा, पूरा इसमें डालिएगा नहीं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कम कम घी पहले से। साथ साथ ये कर लेते हैं, आप रोटी टाइप फ्लैट करना चाहें फ्लैट करें, हाथ से ऐसे दबा देना चाहें हाथ से दबा दें, व्हाटएवर। कुछ लोग पूरी पूरी रोटी की तरह बेलते हैं फिर उसको फ्राई करते हैं। टेक्स टाइम, बट ज़रा तसल्ली से चीज़ें किया करें। ये देखें ये गूंद जो है वो हमारा अच्छा सा फूल गया, राइट, क्रंची क्रंची। इसको हमें पीसना है, इसको हम फ्राई करके एक तरफ रख लेते हैं फिर इसको हम पीसते हैं। पंजीरी वगैरह में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। नाउ इसको निकालते हैं, एक कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ेनब मलिका तो बहुत मजे कर, हमने बहुत बहुत बनाए हैं, आप ट्राई करिएगा, ठीक है, मेरे स्टाइल का भी। सॉरी आई कीप जंपिंग डाउन। हमने मुट्ठी बना के ऐसे, हम जमा खाने में कुकिंग करने जाते थे ना, हम मुट्ठी बना के तल के इसको बहुत सारा वो कैंटीन लगती थी तो बनाते थे ना, ढोकरे और ये ने। ठीक है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, अच्छा लग रहा है। और केक तो देखना है, केक अच्छा लग रहा है सुनने में, केक जरा बनाए जी, जरूर बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, और आपको भी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, मैंने ये यहाँ रख देना है, ये फ्राई हो गया है। अब एक और चीज़ शुरू कर लेते हैं, सम्मो नट्स सारे फ्राई आपको करने हैं, ठीक है। सो मौ घी, आज हम मौका मटके कब बनाएंगे, मुझे लग रहा है मलिदा ही बनाएंगे पूरे शो में आज हम।
घी थोड़ा सा वो हो जाए, फिर हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है, एवरीथिंग जिसमें जाएगा। पहले हम खोपरा डालेंगे, बीज डालेंगे, पिसे बादाम, पिसे पिस्ते हैं ये, और ये हैं बादाम और काजू, ये हम एंड में ऊपर से डालेंगे। एवरीथिंग इज फ्राइड सेपरेटली, कीप फ्राइंग घी में या मक्खन में, और ये जो मुठिया है उनको आपने अच्छी तरह फ्लैट करके घी में फ्राई करते रहना है, और अंदर से वो कच्चे ना रहें तो मेक श्योर के यूनिफॉर्मली आपने हाथ से दबाए हों, ठीक है। ये देखें इतने क्रंची हो गए हैं, और ये इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक सून। वेलकम बैक। देखें नाजरीन, आज हम एक ही रेसिपी करेंगे, बिकॉज मौका मट केक इज टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन। फिर दो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, बिकॉज मेरे पास अभी कोई हेल्पर नहीं है जो ये फ्राई करे और ये फ्राई करे। सो कल से खाऊंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, घी गरम करते जाइए, अलग अलग पैन्स में आप फ्राई करते जाइए। खोपरा हमने डाला, पिसे हुए बादाम डाले, मुठिए पे नज़र रखिएगा, जो फ्राई हो गए थे ठंडे हो गए थे, ये देखें ये मैंने इसको पीस लिया, आधे आधे बैचेस में पीसना है। दरदरा सा रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं कर दीजिएगा, पीस के फाइन पाउडर नहीं करना है। पिसे हुए बादाम और पिस्ते चले गए, ये हमने सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स डाले, जो भी बीज आपके पास हो, ठीक है। छिले हुए इलायची पाउडर गया इसमें, बादाम और काजू हैं ऐसे मोटा मोटा चॉप। अच्छा जी, ये आपने यहाँ भूनना है। यहाँ है 1 3/4 कप गुड़, ये घी आपने और मज़ीद यहाँ रखा और गुड़ आपने इसमें डाल दिया। जब ये गुड़ बिल्कुल पिघल जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे। सो नाउ मेक श्योर दैट दिस डज नॉट बर्न, यहाँ से हिलिएगा नहीं, और ये जो मुठिया है ना उनको भी आप फ्राई करते रहिएगा दोनों तरफ से, ठीक है, कच्चे ना रहें, हाँ फ्लैट रखिएगा जितना हो सके। इसकी आंच में कम कर दूं और मैं इसको मिक्स कर दूं। घी में गुड़ आपने पिघलाना है। दिस इज़ अ वेरी लेंदी रेसिपी। मैंने एक्चुअली पहले सोचा था कि मैं एक ही रेसिपी आज कराऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो मैं मटके एक भी डाल देती हूँ, हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, फिर कन्फ्यूजन होगा, तो उसकी वजह से मैं दो रेसिपीज़ नहीं कर रही, कल सिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ये अच्छी तरह जब पिघल जाए, इसको भी तो चलाते हैं, आई नीड 3 hands, 3-4 हाथ चाहिए जाड़नक को आज, ठीक है। ये नट्स वट्स सब कुछ फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इसका चूल्हा आप बंद कर दीजिएगा, गुड़ कहीं घी में जाके जल ना जाए, जस्ट मेक श्योर इट डजंट बर्न, ठीक है। पिघल गया, ये भी हो गया, मुठिया आप निकाल दीजिए जो जो हो गए हैं। बड़ी सी कढ़ाई हो ना, उसमें एक में ही आप कर दें तो बेस्ट रहेगा। बहुत सारे बन जाते हैं, इसको हाफ नहीं करिएगा प्लीज़, ये रेसिपी जो है इट जस्ट मेक इट एज इट इज़। कॉलर्स कहाँ हैं आज हमारे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इलायची की, और ये सारे बादाम पिस्ते जो सब कुछ गया है इसमें। अच्छा अब मैं आपको बताऊं मैं क्या करूंगी। देखें, एक वॉक में आपने घी गरम करके फ्राई कर दिया, गम को यानी गूंद को एक तरफ रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने ये जो सारा गूंद है वो इसमें जाएगा जो हम पीस चुके हैं ऑलरेडी उसमें। ठीक है, ताकि ये यहाँ से हट जाए। फिर हम जो ये नट्स पिसे हुए चॉप किए हुए, इलायची पाउडर, खोपरा डाला है, ये भी इसमें चला जाएगा। मैं अभी नहीं मिक्स कर रही हूँ, मैं इसको ज़रा टर्न कर दूँ फिर करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये समझा रही हूँ, बिकॉज मैंने पहले कभी भी मलिदा नहीं बनाया है पारसी स्टाइल, तो आप सीख लीजिएगा, बनाइएगा रेसिपी, ट्राई करिएगा।
अब ऐसी लेंदी रेसिपीज़ अप्रिशिएट करने वाले कम लोग रह गए हैं। डो के बॉल्स, जो मुठिया था वो कैसे बनाया, आटा, सूजी, घी, दूध का पाउडर, नमक चुटकी भर लेके दूध और पानी के साथ आपने गूंद लेना है, ठीक है। स्टिफ डो बनाइएगा, छोटे छोटे बॉल्स बना के हाथ से ऐसे दबा के घी में तल के एक तरफ रख लीजिएगा, ये इसका मुठिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इनको फ्राई करके क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं तो एक फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लेना है, ठीक है। पीस लिया, फिर एक दूसरे पैन में आपने गोंद यानी एडिबल गम को घी में फ्राई करना है, पफ अप हो जाए तो उसको निकालिएगा और आप इस मुठिया के जो मिक्सचर है उसमें डाल दीजिएगा। फिर आपने और मज़ीद घी लिया और आपने उसमें बादाम, काजू, पिस्ते, पिसे हुए भी और इस तरह दर्द चॉप अप किए हुए भी, वो भी डाला। उसके साथ मैंने खोपरा डाला, जो बीज आपको इस्तेमाल करने हैं वो डालिए, इसको नहीं मज़ीद पीसिएगा, इसको मिक्स करेंगे हम, ठीक है। गुड़ को हमने पिघला दिया, सम बिग पीसेस आर लेफ्ट, घी में ये सारा मिक्सचर अभी इसमें जाएगा। इसमें एक्सेस घी इस्तेमाल होता है, आप सोचेंगे जार्नक जो इतना कम घी इस्तेमाल करती है खानों में, और कभी कभार करती ही नहीं है तेल इस्तेमाल, वो आज कर रही है, देसी खानों में, देसी मीठों में तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता ही है, ठीक है। ये गुड़ है, मैं आज यहाँ पूरी रेसिपी ये मटके की रख के जाऊँगी और आई प्रॉमिस यू आई विल टीच यू टुमारो, बिकॉज अगर मैं अभी वो करूँगी तो अभी वो होगा नहीं, ठीक है। सो हबड़ दबड़ हो जाएगा हमारे शो में, तो एक रेसिपी आज कभी मैंने ऐसे किया नहीं है वैसे इन ऑल दीज 9 years, बट टुडे आई हैव टू डू इट बिकॉज वो उसको भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि ये जो गोंद है उसको भी आप पीस लें तो यू कैन डू सो, एक दफ़ा घुमा दीजिएगा, पल्स कर दीजिएगा। बिल्कुल एंड में आपने क्या करना है, निकालना है किसी कांच के इस तरह के डिश में, ठीक है, पाइडेक्स के किसी डिश में, अच्छा लगता है उसमें। और ऊपर से यहाँ मेरे पास हैं बादाम, छिलका उतरा हुआ है, पतले पतले कटे हुए हैं, और किशमिश है, दोनों को ऑलरेडी घी में तल के मैं लाई हूँ ताकि ऊपर से हम डालेंगे। इनको आपको स्लो फ्लेम पे तलना ज़रूरी है ताकि मुठिया जो है वो अंदर से कच्चे ना रहें, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपको मालूम है कि माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो औरतों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए बुरा समझते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली 50% खवातीन के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और 19% मोबाइल इंटरनेट से महरूम है। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स अ बेसिक राइट कि एक मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होना चाहिए। इस सोच को काउंटर करने के लिए इस वुमेंस डे पे जायज़ ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है जायज़ चूजेस टू चैलेंज, और इसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ खास करना चाहते हैं आवाम के लिए और औरतों के लिए, तो इन्होंने क्या दिया है, फ्री सिम्स दिए हैं ख्वातीन को, तो इसलिए आप किसी भी जायज़ बिज़नेस सेंटर पे सिर्फ 1000 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस में अपना खुद का एक डिजिट 4G स्मार्टफोन ले सकते हैं। मैं इसको फास्ट पे तलूंगी ना तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे, सो दैट इज़ द रीज़न जो मैं इसको हल्के पे तल रही हूँ, और जो तल चुके हैं ना, जिनको तल चुके हैं हम, उनको हम डालते जा रहे हैं इन माय फूड प्रोसेसर, यह देखें कड़क कितने हुए हैं, आवाज़ आ रही है, ये डालते जाइए और आप इसको फ्राई करते जाइए। एंड में सब चीज़ें साथ असेंबल करनी है, वो आप देखिएगा, थोड़ा सा ठंडा करके फिर आपने पीसना है, ओके। सो ये बैच ठंडा हो जाएगा, फिर ये लास्ट बैच, थैंक गॉड, हाथ से ऐसे कर दीजिएगा फ्लैट, बेलना बेलना कुछ नहीं है। बस हो गया, आज हमारे शो पे ये लॉक एंड लॉक के बॉक्सेस, बॉटल्स वगैरह हैं, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल है, अवन को मैं बंद कर दूं इसलिए कि आज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द टाइनी केक्स, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ठीक है, ठंडे करिएगा प्लीज, जो गोंद है ना उसको भी मैं एक दफा इसके साथ घुमा देना चाह रही हूं।
समझ आ रही है ना? बहुत आसान है वैसे, बस इसके स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुंह में एक क्रंच आना चाहिए गूंद का, इस मुठिये के मिक्सचर का। तो ऐसे नहीं कि आप सब कुछ पीस लें, प्यूरे नहीं कर दीजिएगा किसी भी चीज़ का। कीप थोड़ा सा दरदरा सा, ताकि कॉर्स टेक्सचर मुंह में आए। हम लोग मलिदा बनाते हैं, और नमाज हमारे यहाँ जब होती है तब उसमें हम रखते हैं, खाने रखते हैं हम लोग नमाज में, उसमें हम रखते हैं। आई डोंट नो वाई, बट इतने सालों में मैंने कभी आप लोगों को मलिदा बनाना नहीं सिखाया था। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट कांट इवन थिंक कि मैंने नवरोज़ पे भी क्यों नहीं सिखाया था। वाला हमेशा मैं नवरोज़ पे भी ये सारी रेसिपीज लेके आती हूँ। नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी असेंबल्ड इन। इसके साथ आपने ये सब मिक्स करना है, और गुड़ और घी जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से घी रखिएगा, डोंट ड्रेन आउट ऑल द घी, ठीक है? उसको सॉफ्ट रखने के लिए घी थोड़ा सा होना ज़रूरी है। सो वॉट वील डू नाउ इज़ वील टेक अ ब्रेक, ठीक है? ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। फिर अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो इसको हम सही तरह पूरा असेंबल करने में आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आज क्या झरनक ने मलिदा बनाया है, मलिदा मेरा ही निकल गया है लगता है मुझे। ये देखें ये जम गया था, दोबारा इसको मुझे हीट करना पड़ा। तो आप उस वक्त फौरन करिएगा, घी है और गुड़ है, ठीक है? अब हर चीज़ मिक्स करनी है, सारा का सारा मिक्स करना है अंदर। ये जो है ऑल द ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड एवरीथिंग गोज इन, खोपरा, बीज, बादाम पिस्ते, काजू, जो भी। अखरोट नहीं डालते हम लोग। ओके, नाउ बिफोर ये सेट होना शुरू हो जाए, इसको मिक्स करिए, मिक्स करिए बहुत अच्छी तरह, ठीक है? एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्स्ड इन। तोड़ते जाइए, गूंद जो आप डालेंगे इसके अंदर, एडिबल गम, वो ज़रूर फ्राई अलग से करके पफ हो जाए, डबल हो जाए, फिर डालिएगा, ठीक है? अभी मैं हाथ से नहीं इसलिए कर रही, ये क्यों पीस ऐसे एक रह गया बेचारा, इसको ऐसे ही खा लेंगे। ठीक है, दिस इज़ आ मलिदा फॉर टुडे। मुठिया जब फ्राई करें तो बस ये ख्याल रखिएगा कि वो जल ना जाएं, और फिर वो अंदर से कच्चे ना हों, ये ज़रूरी है। ओके, नाउ ऑल द गुड हैज़ मिक्स्ड प्रॉपरली, उठा के आपने यहाँ रखना है। नाउ ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं एंड प्रेस इट डाउन। ठीक है, डन। और दिस गोज ऑन टॉप, बादाम और किशमिश जो आपने फ्राई की है अलग से, ठीक है? अलग से घी में फ्राई करके निकालिएगा। सो दैट इज़ आवर रेसिपी फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए मैंने आज ये एक ही रेसिपी की है। कल हम मौका मटके का आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, और आप इसको ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक दीजिएगा। और मैं आपको पूरा मैं रिकैप भी कर दूं अब कि मैंने क्या किया था। देखें, सबसे पहले मैंने 2 कप आटा लिया था, आटा, ठीक है, होल व्हीट फ्लार। अच्छा जी, उसमें हमने 4 चमचे सूजी डाली थी, सेमोलिना, 2 चमचे कोई भी अच्छा क्वालिटी का ड्राई मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, चुटकी भर उसमें नमक डालिएगा, 1/4 कप दूध था, 1/4 कप जितना या 1/2 कप जितना पानी, डिपेंड्स कितना वो जज्ब कर लेता है हाथ से या चमचे से, गूंद के अच्छी तरह स्टिफ डो बनाना है आपने। छोटे छोटे बॉल्स बनाइएगा, घी गर्म करिएगा, बड़ी पैन हो तो जल्दी हो जाएगा, हाथ से ऐसे दबा के मुठिया बना के उसको आप डीप फ्राई कर दीजिएगा दोनों तरफ से गोल्डन, लेकिन हल्की आंच पे, ताकि वो जल ना जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। फिर आप उसको एक छन्नी में निकाल दीजिएगा, जब वो मुठिया सारे ठंडे हो जाएं तब आप फूड प्रोसेसर में डाल के उसको घुमा दीजिएगा, बिकॉज़ उसका हमें चूरा करना है, ठीक है? समझ आ गई?
फिर एक और पैन में आपने घी गरम करना है, उसमें इलायची पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट डालिएगा, उसमें फिर आप सीड्स डालिएगा, जो भी पम्पकिन सीड्स हों, सनफ्लावर सीड्स हों, बादाम पिस्ते पिसे हुए, बादाम पिस्ते, काजू बड़े बड़े चॉप किए हुए, वो सब कुछ आपने फ्राई करके एक तरफ रखना है। एक दूसरे पैन में और मज़ीद आधा कप जितना घी लीजिएगा और एक से तीन चौथाई कप, 1¾ कप्स गुड़ था, अच्छी क्वालिटी का साफ़ सुथरा गुड़ लेके पिघला दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, हर चीज़ को मिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज़ करनी है जो कि मैंने किया था, गम, जो गम हो, गूंद हो, उसको अलग से घी में फ्राई करिएगा जब तक वो डबल नहीं हो जाए, पफ अप हो जाएगा, उसको अलग रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गूंद भी अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए तो उसको भी आप फूड प्रोसेसर में चला लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर बादाम पिस्ते, काजू, किशमिश, जो भी, मैं सिर्फ बादाम और किशमिश ऊपर डालती हूँ, इसको सेट होने दीजिएगा। आप टुकड़ों में भी काट सकते हैं, ऐसे भी आप बोल्स में सर्व कर सकते हैं, हम इसको पापड़ियों के साथ सर्व करते हैं, सही है जी, समझ आ गया। सो ये सिर्फ प्रोसेस था, स्टेप्स थे, है बहुत आसान। और याद रखिएगा कि इसमें अंदर जो भी मैंने डाली है चीज़ें, अगर आपको नहीं डालनी है, प्लेन रखना है, तो नहीं डालिएगा। मैंने बादाम पिस्ते बिल्कुल पाउडर करके और चॉप करके डाले हैं, ठीक है। सो मुँह में आए वो अच्छा सा लगेगा। सो दिस इज़ आवर रेसिपी फॉर मलिदा फॉर टुडे। आई होप, अच्छा ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो और मज़ीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे फ्रॉम मी टू यू ऑल। मलिदा, दो के अज्जा, साबित गंदम का आटा 2 कप, घी आधा कप, घी 7 खाने के चमचे, सूजी 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, पानी हसबे ज़रूरत, तेल या घी फ्राइंग के लिए। दीगर अज्जा, इलायची पाउडर 1/2 चाय का चमचा, पिसे पिस्ते 1/4 कप, पिसे बादाम 1/4 कप, 4 मगज़ 1/4 कप, गोंद क्रश्ड 1/2 कप, गुड़ 1/3 कप, काजू और बादाम चंद अदद, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे। तरकीब, डो की बॉल्स बनाने के लिए एक साबित गंदम का आटा, सूजी, घी, खुश्क दूध और नमक हाथ से मिक्स कर लें, ज़रूरत हो तो दूध शामिल कर दें। फिर इसकी 2 इंच की बॉल्स बनाकर मुट्ठियों से प्रेस कर लें। अब एक पैन में घी गर्म करके गोल्डन होने तक डीप फ्राई कर लें। जब बॉल्स ठंडे हो जाएं तो उन्हें हाथ या फूड प्रोसेसर से क्रम्बल बना लें। उसके बाद एक पैन में क्रश्ड गोंद डालकर चमचा चलाएं। जब गोंद की क्रम्बल बन जाए तो उसे बॉल्स में अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद पैन में 1 खाने का चमचा घी गर्म करके इलायची पाउडर, पिस्ते बादाम, पिसा खोपरा और 4 मगज़ डाल के चंद मिनट पकाएं। फिर इसमें क्रम्बल की हुई बॉल्स डाल दें। अब पैन में 4 खाने के चमचे घी और चॉप्ड गुड़ डाल के मेल्ट करें। उसके बाद मेल्ट किया हुआ गुड़ बॉल्स पर डालें। आखिर में नट्स से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। कल मैं क्या बना रही हूँ, कल मैं बारबेक्यू चिकन राइस बनाऊंगी, बटर स्कॉच बनाना पाए बनाऊंगी एंड दिस मौका केक जो आज मैंने नहीं बनाया। और लज्जत में 5 बजे लाइव है करेले गोश्त, आलू का बघार वाला रायता और मसाला पुलाव, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि औरतों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, हालांकि एक बेसिक नेसेसिटी आजकल तो हो गया है। और पाकिस्तान में 50% औरतों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और 19% मोबाइल इंटरनेट से ही महरूम है। तो ऐसी सोच को काउंटर करने के लिए जैज़ हैज़ कम अप ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि आज है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है जैज़ चूजेस टू चैलेंज, ठीक है। इसमें ख़वातीन के आलमी दिन पर आप जैज़ के ऑफिस में जाएँ, बिजनेस सेंटर में जाएँ और वहाँ सिर्फ 1000 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अपना खुद एक डिजिट 4G स्मार्टफोन ले सकते हैं। So happy International Women's Day to all the lovely women, all the struggling, strong women out there. Okay, जी आज हमने मलिदा बनाया था। I hope आप लोगों ने ये recipe appreciate की because it took so long, मुझे इतना time लगा इसको बनाने में। इसको मैंने बहुत मीठा नहीं किया है, अगर आपके घर में बहुत मीठा खाया जाता है तो 2 से 2.5 कप आप डाल सकते हैं गुड़, ठीक है। मैंने 1 और 3/4 कप गुड़ डाला है, आई थिंक इट्स मोर देन इनाफ। बहुत मीठा भी अच्छा नहीं होता है, ओवरली स्वीट डिज़र्ट्स नहीं बनाया करें। किसी ने मुझे पूछा कि क्या ये आप लोग सिर्फ सर्दियों में बनाते हैं, नहीं, ये एक ऐसी आइटम है जो पारसीज़ बनाते हैं पूरा साल। जब भी कोई नमाज की चीज़ होती है, घर में कोई नमाज होती है या कहीं हमारे टेंपल में नमाज होती है, तो ये हम खाना के तौर पर रखते हैं।
सो ये अब पहले तो के ज़माने में तो बहुत बनता था, हमने पूरे बचपन में ये खाया था। और बनाते कौन थे? सिर्फ प्रीस्ट जो होते हैं ना हमारे, उनके वाइव्स बनाते हैं। मैंने ये रेसिपी शेयर की है आज, आई होप आपको अच्छी लगेगी। बहुत आसान है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपके घर में नहीं होगी, ठीक है। आप भी बनाइएगा ज़रूर अगर आपका दिल चाहे वलीदा खाने को। चलिए जी, अब मुलाकात होगी कल लाइव, 3:30 से 4:30 हम लाइव होते हैं, देखना मत भूलिएगा। हमारा शो रात में 12 बजे रिपीट होता है और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे। और इसी तरह अब मुलाकात होगी कल, तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।